हेलो नमस्कार, बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि बॉलीवुड म्यूजिक चैनल जो है ये कंप्लीटली बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए डेडिकेट कर रहा हूं। इस चैनल पर बॉलीवुड से संबंधित जितने भी गाने मैं पहले आपको सिखा चुका हूं वो सब भी इस पर उपलब्ध होंगे और आगे भी जो मैं आपको सिखाता जाऊंगा वो सारे के सारे उपलब्ध होंगे। तो बॉलीवुड म्यूजिक चैनल जो है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है और उपयोगी है जो बॉलीवुड सॉन्ग्स को सीखना चाहते हैं। और केवल यही नहीं, बॉलीवुड म्यूजिक में किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह हम बॉलीवुड सिंगिंग कर सकते हैं, प्लेबैक सिंगर बन सकते हैं, इसके जो टिप्स हैं जो मैं बहुत दिनों से संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल चैनल पर देता रहा हूं, तो प्लेबैक सिंगिंग के लिए स्पेशली सारे टिप्स अगर संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल पर आएगा तो ठीक है, बाकी बॉलीवुड म्यूजिक पर प्लेबैक सिंगिंग के टिप्स जरूर से जरूर होंगे। इसीलिए अगर आप बॉलीवुड म्यूजिक से ज्यादा प्यार करते हैं, अगर आप अधिक यूज करना चाहते हैं या अधिक सीखना चाहते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स को, तो आप निश्चित रूप से बॉलीवुड म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी विचार आपके मन में आता है या कोई प्रश्न आता है या कोई फरमाइश किसी गाने का हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स के द्वारा जरूर से जरूर बताएं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल चैनल जो है एक बहुत वास्ट चैनल है जिस पर मैं हर तरह के विधा को समझाता हूं, क्लासिकल से संबंधित जो क्लासिकल सीखने वाले हैं उनके लिए टिप्स देते हैं, बॉलीवुड म्यूजिक का सारा उसमें बॉलीवुड म्यूजिक भी देते हैं और भजन सिंगिंग का भी देते हैं, उसके बाद सूफी सॉन्ग्स, गजल्स, ये सारे अलग अलग सभी चीज़ें जो है उस पर मिक्स रूप से आता है। तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि मुझे जैसे बॉलीवुड म्यूजिक सीखना है, बॉलीवुड सॉन्ग सीखना है, तो अगर आपका कोई चैनल बने या अगर आप सारे मूवी सॉन्ग्स का एक अलग चैनल आप अगर बनाते तो हमें बहुत फायदा होता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बॉलीवुड म्यूजिक चैनल जो है इसको समर्पित कर रहा हूं कंप्लीटली बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए। चैनल कुछ दिन पहले से है परंतु मैं इसे अभी तक खास करके बॉलीवुड म्यूजिक के लिए समर्पित नहीं किया था, इस पर भी मिक्स टिप्स आते थे, तो अब ये कंप्लीटली बॉलीवुड म्यूजिक के लिए समर्पित कर रहा हूं। तो अगर आप बॉलीवुड म्यूजिक से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं या कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बॉलीवुड म्यूजिक को आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, ठीक है, और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में मैं एक गाने का लिखे जो खत तुझे के भाग वन का रिकॉर्डिंग कर रहा हूं हारमोनियम के साथ। इससे पहले इसी गाने के स्थाई को मैं ट्यून सेंस सीरीज के सीरीज में पार्ट वन में बिना हारमोनियम के रिकॉर्ड किया था और वो मैं किया था उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी गाने को हारमोनियम पर किस तरह निकाला जाए उसे समझाने के लिए। उसमें मैं ये बताया था कि ट्यून जो है जब किसी गाने को हम सुनते हैं तो उसके स्वरों को हमें समझना होता है कि वो स्वर ऊंचा जा रहा है या नीचे की ओर आ रहा है। तो स्वर के ऊंचेपन को और नीचेपन को जब हम समझने लग जाते हैं, उसका जो ऊपर और नीचे जाने का जो होता है उसे अगर हम समझने लग जाते हैं तो हारमोनियम पर किसी भी गाने को हम बजा सकते हैं। लेकिन ये जो ट्यून का जो सेंस है ये तुरंत नहीं होता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है और बराबर हारमोनियम से खेलना होता है, कीबोर्ड से या हारमोनियम से। बहुत सारे व्यक्ति को आप देखेंगे कि जो
बिना कभी म्यूजिक सीखे भी हारमोनियम बजा पाते हैं, बहुत सारे गाने बजा पाते हैं और अच्छे अच्छे हारमोनियम वादक भी हो गए हैं ऐसे। तो उनको इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर ट्यून का जो सेंस है वो पहले से ही होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये धीरे धीरे अचीव करना पड़ता है, आपको ट्यून सेंस अपने अंदर बनाना पड़ता है। तो उसके लिए ये मेथड है कि हम स्वरों के ऊपर और नीचे जाने का जो भाव है, जब हम कोई स्वर को गाते हैं तो हम एक स्वर से दूसरे स्वर को ऊंचा गा रहे हैं या एक स्वर से दूसरे स्वर को नीचे की ओर गा रहे हैं, उस आधार पर हम हारमोनियम के कीज को भी ऊपर और नीचे करते हैं और धीरे धीरे वो ट्यून सेंस जो है वो हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। तो इसी सीरीज में मैंने इसको रिकॉर्ड किया था पहले बिना हारमोनियम के, अब इसे मैं हारमोनियम के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इसलिए ताकि आप समझ सकें कि जब आप बिना हारमोनियम के उसे बजाने की कोशिश किए थे तो उसमें कितनी गलतियां रह गई, किस तरह से आप उसे बजा रहे हैं, कहां कहां पर आप गलत कर रहे हैं, तो इस रिकॉर्ड को देख करके आप उस गाने को पूरी तरह सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से सुने। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो लोग संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें संगीत के विषय में बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, किस तरह हम संगीत को समझें, राग को समझें, और विलंबित, छोटा ख्याल, मध्य लय, तराना, चतुरंग, हर चीज के विषय में इसमें मैं बताता हूँ आपको। और स्पेशली बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए मैं वो चाहता हूँ कि सभी लोगों को मिले, इसीलिए मैं इसमें हर तरह के ज्ञान की बातें करता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चैनल का, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। और जो वीडियो आप देखते हैं उसमें आपको क्या समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता है उसके विषय में आप कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट कर सकते हैं और लाइक्स बटन भी आप दबा सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस गाने को किस तरह से हारमोनियम पर बजाया जाएगा। मैं इसे इस नोट से बजाया था, इसका जो मेन सा है वो सी है और ये जो डी शार्प है यहां से वो गाना शुरू होता है, इस तरह था। लिखे जो खत तुझे, लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में। फिर से, लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। फिर से, हजारों रंग के नजारे बन गए। और दूसरी पंक्ति जो है वो भी इसी तरह है। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए। फिर से, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। फिर से, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। तो सबसे पहले इसे धीमी गति में आप प्रैक्टिस करें और चारों पंक्ति को अच्छी तरह याद कर लें नोट्स को, फिर उसे धीरे धीरे फास्ट करें इस तरह। लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए,
सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। और फिर जब आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और थोड़ी तैयार भी हो जाती है, तब इसे आप रेगुलर स्पीड में गा सकते हैं, जिस तरह गाना है वो इस तरह। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। ठीक है, तो इस तरह आप इस गाने को धीरे धीरे तैयार करें और कोशिश करें ये चारों पंक्ति आपको अच्छी तरह याद हो जाए। और जस्ट इंतजार करें, दूसरे पार्ट का भी ट्यून सेंस सीरीज पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा, भाग टू कहलाएगा वो, ट्यून सेंस सीरीज भाग टू। और जब आप उसे भी कोशिश करेंगे निकालने का, और उसके बाद में फिर भाग टू कह करके केवल मैं उसको हारमोनियम पर बजा करके निकालूंगा, ताकि आप उसे अच्छी तरह हारमोनियम पर सीख सकें। और मैं टास्क थोड़ा थोड़ा देता हूं, इसलिए देता हूं कि आप उसे परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस कर सकें। यह नहीं कि जल्दबाजी में आप हर एक गाने को निकालते चले जा रहे हैं, लेकिन हर एक गाना जो है वो रफली आप निकाल रहे हैं, अच्छी तरह आप उसे गा नहीं पा रहे हैं, अच्छी तरह उसे आप बजा नहीं पा रहे हैं, तो वो संतोषजनक बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करें अच्छी तरह तैयार करने का। मेरा मकसद आपका कमेंट्स लेना और सब्सक्राइब बढ़ाना और लाइक्स लेना केवल नहीं है, मेरा मकसद है आपको सिखाने का कि आप थोड़ा परफेक्शन में सीखें। अगर मेरे चैनल से कोई सीख करके अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और कोशिश करें अच्छी तरह तैयार करने का। ठीक है, और फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।